Assalamu alaikum, my name is Sania Rafique. I am here to teach you chemistry. 10th chemistry chapter number 12 hydrocarbons ka aaj jo topic hum discuss karne ja rahe hain wo hai sources of alkanes. Alkanes ke sources kya hain, alkanes hume kahan se hasil hoti hain. To main sources of alkanes are petroleum and natural gas. Jo main source hai wo hai petroleum. Petroleum kya hota hai, ye ek aisa liquid hai jo hame zameen ke niche se milta hai. Zameen ke niche se hum is liquid ko nikalte hain, and basically petroleum is the combination of many fractions of petroleum gas, petroleum ether, petrol, kerosene oil, diesel oil, fuel oil, residual oil, ye sari cheeze iske andar mix hoti hain. Jo petroleum hai, it is the mixture of these substances. To in mein jo alkanes maujood hoti hai, jo natural gas hai usme 85% methane maujood hoti hai, and methane is the first compound of alkanes. सेकेंड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. अगर हम पेट्रोलियम की, ये जो पेट्रोलियम हमें लिक्विड हासिल हुआ है ज़मीन के नीचे से, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे जो उसके अंदर फ्रैक्शंस मौजूद हैं, जो उसके अंदर कॉम्पोनेंट्स मौजूद हैं, उनको सेपरेट करना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है. जैसे देखें पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स मौजूद हैं, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल एंड रेजिड्यूल ऑयल. ये कुछ कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं जो पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होते हैं. अब इन सब के नीचे बॉइलिंग पॉइंट भी मेंशन है. पेट्रोलियम गैस का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोलियम ईथर 30-80 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल 80-170, कैरोसिन ऑयल 170-125, डीजल ऑयल 250-350, फ्यूल ऑयल 350-450 एंड रेजिड्यूल ऑयल अबव 400 डिग्री सेल्सियस. अब देखें हमने क्या करना है, एक बड़ा सा टावर लेना है. टावर में हमने पेट्रोलियम को ऐड करना है, तो इसके नीचे से हमने फ्रैक्शन बना देने, कुछ बॉक्सेस बना देने. जैसे यहाँ पे मैं एक आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. देखें हमने एक टावर लेना है, इस टावर में हमने ड्रॉ कर दिए हैं ये कुछ बॉक्सेस. इनका हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया. लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका 30-80 है, इसी तरह से ऑनवर्ड ये 400 डिग्री सेल्सियस तक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. अब इसमें होगा क्या कि हमने यहाँ से ऐड करना है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगी वो यहाँ पे सेट हो जाएगी. जिसको ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगी, वो यहाँ पे आके सेटल हो जाएगी. जिसको और टेम्परेचर चाहिए वो और नीचे जाएगी और यहाँ पे सेटल हो जाएगी. इस तरह से हम क्या करेंगे, जो पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स हैं ये सारे, इनको सेपरेट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. उनके वेपर्स हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे तो कोई भी लिक्विड हो वो एवेपोरेट हो जाता है, तो उसके वेपर्स आ जाएंगे. फिर उन वेपर्स को हम कंडेंस करते हैं, और कंडेंस करने के बाद उनको सेपरेट लिक्विड की फॉर्म में हम अलग कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं कंटेनर में, और उसके बाद उनको यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम विच डिपेंड्स अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट. इसका जो बेसिक है वो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसकी बेस पे हम इनको सेपरेट करते हैं. नेक्स्ट सोर्सेज, बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर, मार्श गैस इज रिलीज्ड. जब बैक्टीरियल डिके होता है वेजिटेबल मैटर का, अब वेजिटेबल मैटर क्या होता है, ऐसा मैटर जो वेजिटेबल से हासिल होता है, जैसे फ्रूट से, वेजिटेबल से, जब वो गल सड़ जाते हैं तो उनकी बैक्टीरियल डिके होती है, बैक्टीरिया उनमें पैदा हो जाते हैं और वो उनको मतलब उनका डिके करना शुरू हो जाते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करना शुरू हो जाते हैं, तो उसे एक गैस रिलीज़ होती है जिसको कहते हैं मार्श गैस. और मार्श गैस जो है उसमें मैक्सिमम पार्ट होता है मीथेन का, और मीथेन क्या है, इट इज़ द मेंबर ऑफ अल्केन. तो अल्केन हमें कहाँ से और हासिल होती है, बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर. नेक्स्ट इज कोल फ्यूल गैसेस. जो कोल है इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ अल्केन्स. जो कोल है इसमें भी अल्केन्स मौजूद होती हैं. कोल कहते हैं बेसिकली कोयला को, लकड़ी को जलाने के बाद जो कोयला हासिल होता है उसको कोल कहा जाता है. उसके अंदर क्या मौजूद होती हैं, फ्यूल गैसेस होती हैं, और फ्यूल गैसेस कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्केन्स. इनमें भी अल्केन्स की अमाउंट मौजूद होती है. नेक्स्ट डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीटा एंड द प्लांट
वेस्ट। इसमें क्या होता है कि जानवरों का जो फजला है, जो वेस्ट मटेरियल है, और जो प्लांट्स वगैरह का जो वेस्ट मटेरियल है, ह्यूमंस का जो वेस्ट मटेरियल है, उनसे कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं? गोबर गैस रिलीज होती है, सीवेज गैस रिलीज होती है, एंड द बायोगैस। ये गैसेस रिलीज होती हैं और इन गैसेस के अंदर क्या मौजूद होती है? मीथेन। अब जो डिकम्पोजिशन होगी, जो केटल डंक है, जो जानवरों का वेस्ट मटेरियल है, उससे गोबर गैस प्रोड्यूस होगी। जो एक्सक्रीटा है, जो कोई भी वेस्ट मटेरियल है ह्यूमंस का या जिस भी ऑर्गेनिज्म का, उससे सीवेज गैस रिलीज होती है। और जो प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल है, उससे बायोगैस रिलीज होती है। तो ये गैस में मीथेन की कंसंट्रेशन मौजूद होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।